પલસાણા તાલુકાના અમલસાડી ગામની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને દર્શના જરદોશે ગ્રામજનો સાથે મુલાકાત કરી તેમના પ્રશ્નો સાંભળ્યા હતા। ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર દ્વારા દત્તક લેવામાં આવેલા અમલસાડી ગામમાં પોસ્ટ ઓફિસથી રેલવે ટિકિટનું બુકિંગ કરાશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। જ્યારે આ ગામમાં મોબાઈલ ટાવરની સમસ્યા અંગે રજૂઆત કરવામાં આવતા આ પ્રશ્ન પણ હલ કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી મંત્રી દ્વારા અપાતા લોકોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી। 1,20,000 रुपया मिला। घर बनाया किसने? हमने ही बनाया। आपने मिलके बनाया? बाहर से कोई ठेकेदार तो नहीं लाना पड़ा? जितना भी सामान था सब आपने अपने मन से खरीद के। कितने कमरे कितने घर में? दो तीन? दो कमरे। दो कमरे। घर में और परिवार में कौन कौन है? बच्चे हैं साथ? नहीं आप बहुत अच्छा। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब कोविड का समय आया, कोविड में पूरी दुनिया में इतनी बड़ी विपत्ति, ऐसी विपत्ति तो 100-100 साल में एक बार आती है, उस विपत्ति के टाइम में एक बात बताओ, किसने आपका साथ दिया? एक बात बताओ कि मोदी जी ने आपके हर परिवार के पास, हर गरीब परिवार के पास मुफ्त अनाज भेजा कि नहीं? नाम छे सरस छे इतना बोलना आता है तो थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलूंगा चलेगा? समझ में आएगा? थोड़ा थोड़ा मास्क उठा लो, मास्क हटा लो आराम से चाल से। आप एक भाई हो, किस तरह का काम है अपना? यहाँ 19 साल से डेयरी चल रही है। पहले डेयरी दूध 130 लीटर था, अब आज 19 साल के बाद आज हो गया है 3500 लीटर, यानी 3500। और हमारे गांव में जो पानी की सुविधा है उनकी समय गुजराती में बोलो। पानी 50 रुपया महीना आपके से पानी, अने 10 लीटर पानी डेली एक घर में। हाँ, एक फ्री में। आरओ सिस्टम किसके कैसे लगा पूरा? कितना बड़ा आरओ सिस्टम? 600 लीटर। 600 लीटर